ईयर 1968 इंडिया में एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप की शुरुआत हुई थी जिसे ऑरोविल कहते हैं। ये टाउन साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इस टाउन को बनाने की खास वजह थी कि सब लोग इकट्ठा साथ रह सके। ऑरोविल ऐसा टाउन है जहाँ पे लोग कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशनलिटी इन सब में मानते नहीं है। उनका बस इतना मकसद है कि सभी लोग साथ में शांति से रह सके। ये बात सुनने पे काफी लोगों को देश पे गर्व ही हुआ होगा। ईयर 1963 में इसरो ने फर्स्ट रॉकेट त्रिवेंद्रम के बाहरी इलाके थुम्बा में एक चर्च है जहां से फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था। उस वक्त इंडिया का सबसे फर्स्ट रॉकेट बाइसिकल से ट्रांसपोर्ट किया था। बाद में ये साइकिल का लॉन्चिंग पैड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नाम से जानने लगा। ईयर 2014 में 43,000 इंडियन सिटीजन दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और इस फ्लैग के लिए इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये सच्ची गर्व महसूस करने की बात है कि हमारे देश में काफी बार कास्ट पर झगड़े होते हैं, लेकिन इस फ्लैग को बनाने में सभी कास्ट के लोग इकट्ठा हुए थे। शायद ये फैक्ट आज तक किसी को पता नहीं होगा। ईयर 1999 में कलकत्ता में पहली बार गे प्राइड परेड हुआ था। इस परेड में सिर्फ 15 ट्रांसजेंडर लोग थे, लेकिन इस परेड ने पूरी कंट्री को एक संदेश दिया। हम यहाँ हैं, हम विचित्र हैं, लेकिन हमें खुद पे गर्व है। ये संदेश इन लोगों ने देश को दिया था। इंडिया के क्लासिकल डांसेस 2000 साल से देश के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और ये डांस फॉर्म्स हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी और कल्चर को सिंबलाइज करता है। इंडिया में कुछ यंग एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिन्होंने खुद की हिम्मत और मेहनत से मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस किए हैं। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन है जिसे इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। पेरिस का आईफिल टावर काफी लोगों को पसंद है, लेकिन ये बताते हुए खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर के आर्क शेप चेनाब ब्रिज आईफिल टावर से 35 मीटर टॉल है। ये ब्रिज चेनाब रिवर के 1178 फीट हाइट पे बनाया गया है। कबड्डी की शुरुआत इंडिया से हुई थी और इंडियन नेशनल कबड्डी टीम ने अब तक सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके सिवा हमारे देश पे गर्व होने की एक और बात है कि वुमेन्स कबड्डी टीम ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीते हैं। 11 जुलाई 2016 में इंडिया ने बहुत ही अमेजिंग काम किया था। उत्तर प्रदेश में 8 लाख वॉलंटियर्स ने 50 मिलियन ट्रीज एक दिन में प्लांट किए थे और उस वक्त के ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। अमेरिका में 38% डॉक्टर्स इंडियन हैं, 12% साइंटिस्ट इंडियन हैं। इसके सिवा नासा में 36% एम्प्लॉइज इंडिया के हैं। सिलिकॉन वैली और वॉशिंगटन डीसी में लगभग 49% हाई टेक स्टार्टअप इंडियन या इंडियन अमेरिकन ने ओन किए हैं। क्या आप जानते हैं हमारे इंडिया में टोटल कितने रोड हैं? यूएसए के बाद इंडिया का रोड नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। 1.9 मिलियन रोड्स के कारण इंडिया में ट्रैवलिंग करना काफी कन्वीनियंट होता है। हमारे इंडिया के ग्रेट एरोस्पेस साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2006 में स्विट्जरलैंड गए थे। वो दिन स्विट्जरलैंड में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडियन रेलवे सिस्टम लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है जो लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। ईयर 1896 के पहले डायमंड्स कहीं नहीं मिलते थे। सबसे पहले डायमंड माइनिंग इंडिया में किया गया था। 5000 ईयर्स पहले इंडिया में योगा की शुरुआत हुई थी। अभी भी इंडिया में योगा का इम्पोर्टेंस वैसा ही है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बजट की कमी होने के बावजूद दुनिया के टॉप 5 स्पेस प्रोग्राम्स में आता है। इंडिया का मोस्ट फेमस गोल्डन टेंपल हर रोज 1 लाख लोगों को वेजिटेरियन मील देता है। इसमें सबसे बेस्ट बात है कि इस टेंपल में खाना किसी भी धर्म जाति के लोगों को देते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की शुरुआत इंडिया से हुई थी। इंडिया की सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम तक्षशिला था। हमने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सुना है। आज के वक्त में टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से प्लास्टिक सर्जरी काफी एडवांस हुई है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत 4000 साल पहले इंडिया में हुई थी। कुछ सालों पहले इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस थे। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने लगी, वी ए शिवा अय्यादुरी ने सोचा जिस देश में पोस्ट ऑफिस ज्यादा है वो देश टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह सकता है। इसीलिए सिर्फ 14 साल की एज में वी ए शिव अय्यादुरी ने इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया, जिस कारण आज हम दुनिया में कहीं भी कुछ सेकेंड्स में लेटर मेल के द्वारा भेज सकते हैं।
इंडिया की वाराणसी सिटी वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के टाइम से हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के लोग रहते आ रहे हैं। यह 1982 में इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था। इस ब्रिज का नाम बेली ब्रिज है, जो लद्दाख वैली और रिवर दारस को कनेक्ट करता है। तो ये थे इंडिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे हमें इंडिया पे और भी ज्यादा गर्व होगा। जैसे हमने देखा, इंडिया में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अलग है दूसरे देशों से। तो इंडिया के बारे में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको भी पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों।